રાજકોટમાં કોરોના વાયરસના સંકટ વચ્ચે લોકોને પોતાના વતન જવા માટે વિવિધ પોલીસ મથકમાં નોંધણી કરાવવા માટે લોકો ઉમટી રહ્યા છે। પરપ્રાંતીય લોકો ઘરે જવા માટે સામે કાંઠેના આવેલ પરપ્રાંતીય લોકોએ નામની નોંધણી કરાવવાનું શરૂ કર્યું છે, જેને પગલે ત્યાં લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા અને ઘેર જવા માટે લોકોએ ઉગ્ર માંગણી કરી છે। पिनाथ प्रजापति है, मैं यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। पिछले दो महीने से हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमको खाने पीने का जब से लॉकडाउन हुआ, जब गांव से आए उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया था। तो हमारा सेठ है जो हमको पैसा भी नहीं देता है और ना पूछता है, कभी आता भी नहीं, कभी कभी आता है जो चला जाता है, देखता भी नहीं। ऐसे में हम लोग क्या करें? पहले जो सरकार ने खिचड़ी का जो व्यवस्था किया था, खिचड़ी भी आया था, लेकिन वो खाने लायक था नहीं खिचड़ी। हम लोग को कुछ है नहीं घर में पैसा, हम लोग परेशान हैं, गैस वैस सब खत्म हो गया है। हम रोड पर ऐसे 10 दिन से भटक रहे हैं कि अब ट्रेन में बैठा देगा। हम लोग को ऑनलाइन भी किया, फार्म भी भरे और पुलिस चौकी में गए, तो पुलिस चौकी में बोला गया कि वहाँ जाइए कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस गए तो वो बोला कि नहीं, यहाँ नहीं होगा, जो आपके नज़दीक में पुलिस चौकी है वहाँ पर जाइए लिखवाइए। वहाँ पर गए हम लोग तो वो बोलते हैं कि अभी फार्म भर दो। हम लोग फार्म भरे, ऐसे 10 दिन से भटक रहे हैं, बोलते हैं कि दो दिन में फ़ोन आएगा। 2 दिन के बाद हम जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं, तो बोलता है कि रुको 2 दिन और रुको, ऐसा सब बोल रहे हैं। हमको दिक्कत यही है सर कि देखिए, हम अपना घर पे जाना चाहते हैं और 10 दिन से फार्म भरे हैं, ऑनलाइन भी भर दिए हैं और यहाँ भी भर दिए हैं। तो हम आते हैं वहाँ से तो ये लोग हमको सही जवाब पुलिस नहीं दे रही है। हम लोग 5 साल से हैं। हम लोगों को दिक्कत यही है कि हम लोगों को ना यहाँ राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, सरकार कोई सुविधा दे नहीं रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग चले जाएं, नहीं कुछ मदद नहीं की। हम लोग 10 दिन से दौड़ रहे हैं कि आते हैं यहाँ पर, कह देते हैं कि चले जाओ, नहीं जाना है, जब फोन करेंगे तब आना। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए सुविधा निकाल दे सरकार। गाड़ी बंद हो गई तो आया नहीं, तो हम लोग के यहाँ बहुत दिक्कत होती है। मकान मालिक है तो बोलते है भाड़ा लाओ, खुराकी मिलता है नहीं तो मैं भाड़ा कहाँ से दूंगा। या मेरा जो बेछोकरा में आसान ये है मेरा, क्या कि यहाँ राशन मिलता है नहीं, मेरा छोकरन के पेट भरता है नहीं। मैं यहाँ 15 दिन से फॉर्म भरी कि इतना बार आ चुकी, वो भाई बोलता है कि मैं फोन करूँगा तैयार ना ले जाए ले जाएगा। मैं कितना बार धक्का खाती, मेरा मोकलता है नहीं, सरकार मेरा के कुछ भी मदद नहीं करी।